जय हिंद दोस्तों। आज आगाज टीम की आगाज न्यूज की टीम निकली है नई मुंबई के महानगर पालिका की ओर, जहाँ पे तिरंगा हमारा लहराता है। और आज यही दिन 15 अगस्त की सबको आज़ादी की तहे दिल से शुभकामनाएं। और आज के दिन आज पूरा हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए दिखाया जा सकता है। और आज ही के दिन हम लोग उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और जमहूरियत के कानून बनाने में मदद की। और आज हम उन्हीं की वजह से आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त आज पूरे 72 साल हो गए हम लोग को आज़ादी से लेते हुए। आज 72 साल हम शहीदों को भी याद करेंगे जिन्होंने इस आज़ादी में सबसे अहम भूमिका निभाई। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का नाम लेते हुए मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस आज़ादी के लिए हमारे जो भी आज़ादी की जंग लड़ने वाले शहीद जिन्होंने दिलेर जिन्होंने हिंदुस्तान की मट्टी की कसम खाई थी और हिंदुस्तान के धरती माँ के वो सुपुत्र थे जिन्होंने अपना हक अदा किया। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये साल में हमारे लिए दो बहुत अहम मौके हैं जहाँ पे हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को और हमारे शहीदों को हम याद करते हैं। लेकिन आज के दौर में हम उन लोगों को हर वक्त याद करो। अगर तिरंगा अगर हमारे पे ले जाना है तो तिरंगे की उन कलर को तिरंगे के लिए जो खून बहा है उन शहादों को हर वक्त याद करो। आगाज़ न्यूज़ की तरफ से बस इतना ही। जय हिंद।